वने हो गई थी या वने से चालू करना है, मतलब कुछ डाउट बच गया तो उनके लिए वने या क्या? हाँ वने में कोई डाउट है? खत्म बात है, वने में कोई डाउट बचा है? चैट पे लिखो। नो डाउट बच्चों वने में फिर। 200 1B में कोई डाउट है तो बताओ। सर, 24, 31, 1A का है। तो आधे घंटे बाद लिखेगा आप, क्या पगला है क्या? नहीं सर, मैंने तभी लिखा था। जब मैं मने बोल रहा हूँ कोई डाउट नहीं है, फिर तब भी तेरी आवाज नहीं आ रही तो क्या अज्यूम करूंगा मैं? सर मैं ओपन ही कर रहा था माइक पर, हो नहीं रहा था माइक। नहीं टाइम वेस्ट मत करा करो यार, जब पूछूं भी रेडी विद दैट माइक वाइक, देखो जो रेडी रखा हो रेडी रखा करो। 1A का 25 और 31 बोल रहा है। बच्चे नॉट गोइंग टू डू डू अगेन। गुरुदेव सुन लिया तूने? बस ठीक है सर। एलसीएम लेना है, तो अगर नहीं आया, कुछ गलती हुई है, सिली मिस्टेक, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू, यू आर गोइंग टू डू अगेन, सिली मिस्टेक्स। बस एलसीएम ले, इतना खुद को करना। क्लियर? यस सर। बस बिल्कुल खुद से करना। 31st डेट अ सिमिलर क्वेश्चन इन द क्लास। मैं तो लिमिट को जीरो बनाओ, और अंडर रूट के कारण लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स होता है। 5/2 + x रखोगे, 1 - cos h डिवाइडेड बाय 2x इज पाई प्लस 2h - पाई, दैट इज 2h। अब 1 - cos h क्या होता है बच्चे? 2 sin² h/2 डिवाइडेड बाय h, दैट इज √2 mod sin h/2 / h। इसके कारण लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर लड़के? ये ठीक है सर। क्लियर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों? यस सर। 1B में डाउट जो सॉल्यूशन देखने के बाद भी रह गया हो, तो सॉल्यूशन नहीं देखे वीडियो सॉल्यूशन तो डोंट आस्क मी, डोंट वेस्ट माय टाइम एंड द बैच टाइम। 1B में कोई डाउट रह गया हो तो लास्ट टाइम। ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन बॉक्स एक्स डिवाइडेड बाय बॉक्स एक्स। बच्चे डायरेक्ट करेंगे या LHL RHL करेंगे? यस LHL RHL। RHL करा मतलब जीरो प्लस, तो बॉक्स जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है आंसर अभी से, नॉट डिफाइंड या व्हाट एनीथिंग? यस नॉट डिफाइंड होना चाहिए ना। नहीं, नॉट डिफाइंड हो गया मतलब राइट साइड इसके डोमेन में नहीं। नॉट डिफाइंड का ये मतलब होता है ना, यस सर। मतलब अगर सिर्फ LHL पे मैटर करेगा, अगर LHL 5 आ गया तो आंसर 5 है, अगर LHL भी नॉट डिफाइंड आ गया तो फिर क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड है। क्लियर? यस सर। तो RHL तो डोमेन में ही नहीं है, नॉट इन द डोमेन। अब LHL देखा 0 माइनस पे, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/-1, बस -sin1/-1, तो sin1/1, तो बस यही आंसर है। समझ में आ गया? यस सर। sin 1/1, दैट इज ऑप्शन सी।
वन सी में कोई डाउट रह गया हो तो। वीडियो सॉल्यूशन से अच्छी तरह समझ में आ रहा था बैच? यस यस सर। वन सी में कोई डाउट? लास्ट टाइम ठीक, नो डाउट है, देख रहे हैं 24th। यश वेरी पुअर, ये डाउट है क्योंकि ये डिस्कस पहले भी हो चुके हैं किसी ना किसी क्वेश्चन में, क्लास में भी कराए हुए हैं। वन बाय एक्स जल्दी से इंटरेक्ट कर, कैसे करेंगे? डीएस लगा, बताओ क्या रहा है? डीएस लिखा पे तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना वन बाय जीरो, तो क्या मतलब है, क्या करेंगे स्टार्टिंग? LHL आंसर। हाँ गुड, जीरो पे नॉट कंटिन्यूस है तो डायरेक्ट कर भी नहीं सकते, तो RHL करा, जीरो प्लस, जीरो प्लस पे ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, मतलब पूरा टर्म इनफाइनाइट पे जा रहा है, करेक्ट बच्चे? यस सर। सो कॉमन लिया, ये कैंसिल हो गया, आंसर वन, LHL जीरो माइनस, जीरो माइनस पे डायरेक्टली ये जीरो पे चला जाएगा, जीरो अपन जीरो प्लस वन, आंसर जीरो, does not exist. Okay. इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं करने, इतना तो खुद ही कल लगा दो सत्य, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कहीं नहीं करना, इंटीग्रेशन चैप्टर था ना पढ़ाया अभी। ओके सर, टू ए, टू ए में कोई डाउट बच गया किसी का? No. Okay. 2B. 2B में कोई डाउट? नाइन्थ, ओके नाइन्थ क्वेश्चन देख रहे हैं 2B का। लिमिट एक्सटेंस जीरो तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है, स्टैंडर्ड मेथड से तो बहुत ही टाइम लगने वाला है और मतलब ऑब्वियस है सही तरीके से होगा भी नहीं स्टैंडर्ड मेथड से, तो हम एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, फिर माइनस, अब डिफरेंशिएशन बहुत सारे फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन में, तो सबको फिजिक्स में पता होगा डिफरेंशिएशन ऑफ यू भी क्या होता है, यू इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश, करेक्ट लड़के? Yes, sir. तो अगर तीन फंक्शन हो जाते हैं तो क्या होता है? U V W dash plus U, बाकी दो कांस्टेंट हैं, क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पर ऐसा ही होगा, एक टर्म का डिफरेंशिएशन, जैसे cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस 3 sin 3x और बाकी cos के टर्म्स चिपके हुए ऐसे ही, ठीक है? Yes, sir. प्लस cos 3x इंटू कॉस 9x का डिफरेंशिएशन माइनस 9 साइन 9x इंटू कॉस के टर्म चिपके हुए एज इट इज एंड सो ऑन, नीचे 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x बाय 3 डिवाइडेड बाय कितना, मतलब इंटू कितना 1 बाय 3, नीचे 3 इंटू कॉस के टर्म चिपके हुए, करेक्ट? प्लस cos x by 3 into cos x by 9 का differentiation minus sin x by 9 divided by 9 into cos के टर्म चिपके हुए as it is, तो अगर देख रहा है तो हर टर्म में माइनस है, तो बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस सब प्लस हो जाएंगे, करेक्ट? यस सर। ओके, अब क्या है क्वेश्चन में, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3 sin 3x
पहले टर्म में इनटू सब कॉस के टर्म्स है, कॉस 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 प्लस कॉस 3x इनटू 9 साइन 9x इनटू कॉस के टर्म्स कॉस 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 प्लस ऐसे ही एंड सो ऑन, नीचे साइन x बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 इनटू कॉस के टर्म्स प्लस कॉस x बाय 3 इनटू साइन x बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 कॉस x बाय 9 into cos के terms as is this and so on. तो अब limit लगाने का time आया, तो सारे sin क्या बोल रहे हैं, उनको नीचे x चाहिए, तो x से multiply divide कर दिया, सब terms को correct? Yes sir. x, x and so on. अब सारे x को adjust भी कर दिया, क्योंकि ये 3x है, तो यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा, correct? 3 square yes, हो गया. Sir. यहाँ पे 9x है, तो 9 बनाना पड़ेगा, 9 square हो गया. यहाँ पे x by 3 है, तो x by 3, तो 3 square हो गया. यहाँ पे x by 9 तो 9 square हो गया. अब ये सारे की value 1 और सारे cos also 1 क्योंकि cos 0 1 होता है, correct लड़के? Yes sir. तो ऊपर क्या बचा है, 3 square into 1 plus 9 square plus next term में क्या होगा, guess कर, 27 square and so on till n terms divided by, नीचे क्या आएगा, ये सब तो 1 1 by 3 square, correct? Yes sir. कर लेना ये सब जीपी है, ठीक है? यस सर. ओके, एनीथिंग एल्स इन टू बी? चलो ओके, चलो दैट्स इट फॉर डाउट्स. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यू करते हैं. लास्ट में क्या पढ़ाया था बच्चों, यही क्वेश्चन कराया था क्या लास्ट में एवरीवन? होमवर्क क्वेश्चन दे दो शायद से ये वाला. यस सर. ये दो थे ना? हाँ है ना? हाँ सर. यस सर. तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, होमवर्क क्वेश्चन. चेक फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इक्वल्स टू 1. तो पहले एक्स इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं. एक्स इक्वल्स टू 2 पे फ्रैक्शनल कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस, जल्दी बोलो. नॉट कंटिन्यूअस. बिल्कुल गलत. कंटिन्यूअस क्यों? के अंदर वाला पार्ट इंटीजर नहीं हो रहा है. हाँ है ना बच्चों? यस सर. फ्रैक्शनल x माइनस 2 बाय 3 जब इंटीजर होगा तब डिसकंटिन्यूअस होगा. तो x को 2 पे इंटीजर थे ना हो रहा है, नॉट कंटिन्यूअस है. सिग्नम आप बोलो सोच के, कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस? सिग्नम होता है जब अंदर वाला पार्ट 0 होता है. हाँ है ना? यस सर. यस सर. कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस हो जाएगा. क्लियर यहां तक? यस सर. ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो चेक करना ही पड़ेगा. तो सबसे पहले LHL जिसके लिए मैंने ये तुम्हें दिया है कि ऐसा वैल्यू सोचना आना चाहिए, जिसका एक एग्जांपल मैंने नेक्स्ट पेज नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कर रखा था. तो इसके लिए कैसे सोचते हैं कि एज एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, क्या सोचते हैं बच्चों, पाई एक्स कहाँ पे जा रहा है, करेक्ट एवरीवन? यस. पाई एक्स कहाँ पे जा रहा है? लाउड वॉइस कॉन्फिडेंट वॉइस बोलो कहाँ पे जा रहा है? जीरो माइनस. अरे माइक ऑन करके बोलो ना यार, पाई एक्स कहाँ पे जा रहा है बच्चों? पाई माइनस. पाई माइनस. तो साइन पाई माइनस पाई एक्स कहाँ पे जाएगा? साइन ऑफ पाई माइनस पे, करेक्ट? तो साइन का ग्राफ देखो और बताओ मुझे कि पाई के जस्ट पहले उसकी वैल्यू कितनी है? जीरो प्लस. तो देयरफॉर यहाँ का आंसर बॉक्स ऑफ जीरो प्लस हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. किसी को डाउट इसमें? नो सर. आरएचएल 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 आरएचएल. यस. लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स माइनस टू बाय थ्री
इनटू सिग्नम ऑफ एक्स माइनस 5/4 है, तो यहाँ पे तो कंटिन्यूस है तो डीएस लगा देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वन पे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसको, तो फ्रैक्शनल ऑफ वन माइनस 2/3 इनटू सिग्नम ऑफ वन माइनस 5/4, तो फ्रैक्शनल ऑफ 1/3 इनटू सिग्नम ऑफ माइनस 1/4, फ्रैक्शनल ऑफ 1/3 1/3 होता है, और सिग्नम ऑफ नेगेटिव क्या होता है माइनस 1, तो ये माइनस 1/3 आ गया और ये जीरो है, तो नॉट कंटिन्यूस। सबको क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो बस ये वाला पोर्शन सोचने के लिए क्वेश्चन दिया था, किसी को इश्यू लास्ट टाइम? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो बच्चों, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पे आना है, बट उसके लिए एक चीज पढ़ लेनी चाहिए हमें। हेडिंग लिखो, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, स्टॉप राइटिंग, अब तुम्हें सिर्फ सुनना है, समझना है, बाद में एक साथ कॉपी करना। दिस इज द टॉपिक जो हमें नेक्स्ट टॉपिक में बहुत हेल्प करेगा, टाइम बचाने के लिए। टाइम बचाना मतलब कि देख के बता पाओगे कि अच्छा ये तो कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो पूरा कंटिन्यूस होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा बोल पाओगे कंटिन्यूस है एक फंक्शन और फिर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है नॉट कंटिन्यूस है, तो चेक करना है, या डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो नॉट कंटिन्यूस है, इस तरीके से वी हैव टू जज। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. मतलब दो फंक्शंस होंगे, जैसे एग्जांपल बोलता हूँ, देखो कि f of x is equals to x into box x, तो x equals to 0 पे ये कंटिन्यूस है बट ये नॉट कंटिन्यूस है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। तो हम में क्या 100% श्योरिटी से बोल सकते हैं कि 0 पे नॉट कंटिन्यूस ही होगा बिकॉज ऑफ दिस, या फिर हमें चेक करना चाहिए? ये हम अब थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। इज माय पॉइंट क्लियर एवरीवन? यस सर। अभी तक की तुम्हारी थिंकिंग अगर मैं तुमसे पूछूं और इतना माहौल नहीं देता, तो तुम डायरेक्टली बोल देते नॉट कंटिन्यूस, क्यों? क्योंकि बॉक्स है, खत्म काम। बट ऐसा नहीं होता, ये यहाँ पे जीरो पे कंटिन्यूस हो जाता है। समझ में आ रहा इंट्रोडक्शन एवरीवन? यस सर। यस सर। ये सब पढ़ने के लिए कि यहाँ पे चेक करना चाहिए, मैं अभी जैसे पॉइंट लिखाऊंगा कि कंटिन्यूस इनटू नॉट कंटिन्यूस कभी फंक्शन आए तो डायरेक्टली नॉट कंटिन्यूस नहीं बोलोगे, चेक करोगे। तो यही सब डिस्कस करने के लिए एक टॉपिक, तो आराम से करते हैं, आएगा अभी एग्जांपल। सबसे पहले मेरे साथ देखो इधर, फर्स्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस। लेट्स से एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो दो फंक्शन के एडिशन से आ रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट सिनारियो, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो f के बारे में क्या बोल सकते हो? 100% कंटिन्यूस, 100% नॉट कंटिन्यूस, या मे बी, व्हाट डू यू थिंक बच्चों? 100% कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। 100% कंटिन्यूस है, उसमें कोई चेक पैक करने की जरूरत नहीं है। डू यू एग्री विद मी ऑल ऑफ यू? यस यस सर। देख लो, कोई भी ऐसा एक फंक्शन दूंगा मैं कि sin x प्लस एक्स क्यूब, तुम सबको पता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस, हाँ है ना बच्चों? यस। एलजेब्रिक फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस, तो ये भी पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं लिमिट विमिट कुछ पूछूं, तुम डीएस लगाते हो नहीं लगाते हो? एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस। कंटिन्यूस भी बोल सकते हो, तो देयर इज नो नीड टू चेक हियर। सेकंड पॉइंट जिससे तुम्हें टॉपिक की फील आएगी, ये कंटिन्यूस है प्लस ये नॉट कंटिन्यूस है, तो अब कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस या मे बी, व्हाट डू यू थिंक? मे बी। हां मे बी, तो गलत है, ये 100% नॉट कंटिन्यूस प्लस है, प्लस या माइनस में कोई मैटर नहीं करेगा, वो 100% नॉट कंटिन्यूस होगा। लेट मी शो इट टू यू, लेट मी प्रूव इट टू यू। चलो बेटर प्रूव करते हैं कि f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस। तो इसका प्रूफ करने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि f of x is continuous, फिर मैं शो करूंगा कि जो मैंने assumption लिया है वो गलत है, तो मान जाओगे ना contradiction से? Everyone? Yes, sir.
मैंने अभी assume कर लिया f of x is continuous और f of x है कौन g of x plus h of x क्या क्या given है बच्चों कि g of x continuous है और ये not continuous है correct everyone yes yes so h of x को एक side रखा f of x minus g of x कर दिया अब f को तुमने assume करा है continuous g given है continuous और ये given है not continuous बट राइट साइड को देखो कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस तो क्या होता है एवरीवन इज कंटिन्यूस फर्स्ट पॉइंट सही कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस क्या होता है एवरीवन कंटिन्यूस बट गिवन क्या है बट हमने अज्यूम बट सॉरी गिवन है कि h नॉट कंटिन्यूस है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है ना एवरीवन यस सर यस सर दैट मींस जो अजम्पशन हमने लिया है वो सही है या गलत है बता दो गलत है गलत है assumption we have taken is wrong that means prove f of x is 100% क्या होगा not continuous मतलब यहाँ पे कभी भी कोई example देखो कि f of x is sin x plus box x तो कभी भी check करने की जरूरत नहीं है ये हर integer पे ये continuous होता है but ये not continuous होता है तो हर integer पे ये भी not continuous ही होगा क्या यहाँ तक सबको clear है yes sir yes yes sir तो ये हमारा टाइम बचाएगा नहीं बचाएगा यस सर डायरेक्ट नहीं चेक करने की जरूरत नहीं चलो लास्ट सिनेरियो कौन सा बच गया एडिशन सबट्रैक्शन में बताओ नॉट कंटीन्यूअस प्लस और माइनस कंटीन्यूअस नॉट कंटीन्यूअस ये भी है और ये भी नॉट कंटीन्यूअस है तो व्हाट डू यू थिंक बताओ कंटीन्यूअस नॉट कंटीन्यूअस मे बी आंसर इज मे बी यहां पे कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली 90% टाइम तो नॉट कंटीन्यूअस ही रहता है एग्री करो ऑल ऑफ यू यस सर यस सर यस सर बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा जिसमें कुछ नहीं होने वाला क्या उखाड़ लोगे बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल 2x अब बहुत सारे इंटीजर पे तो गड़बड़ ही रहेगा ना बच्चों कम ऑन एग्री करो यस सर 1 पे ये नॉट कंटीन्यूअस है 1 पे ये भी नॉट कंटीन्यूअस है ओवरऑल चेक करोगे तो ये भी नॉट कंटीन्यूअस आएगा इज दैट क्लियर एवरीवन यस सर यस अब मुझे एक ऐसा एग्जांपल बताना है जिसमें f of x क्या हो जाए बताओ कम ऑन कंटीन्यूअस हो जाए हां है ना यस सर देखो मस्ती वाला एग्जांपल देखो जल्दी से एग्री करो ये हर इंटीजर पे नॉट कंटीन्यूअस है एवरीवन यस सर ये भी हर इंटीजर पे नॉट कंटीन्यूअस है एवरीवन यस और नो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमेशा continuous हो जाएगा क्यों? Surprise मत हो बताओ. Box x plus fractional x क्या हो जाता है? Come on. X. और x तो continuous ही होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? Not continuous plus not continuous maybe होता है तो maybe कभी भी ये scenario आएगा तो directly comment करोगे या check करोगे? Check. Copy करो यहाँ तक फिर. प्रूफ ये वाला कॉपी करने की जरूरत नहीं है ना
copied everyone? Yes, sir. Yes. कोई डाउट या था? No, sir. फाइव सेकेंड्स जल्दी से कॉपी कर लो अगर कोई कर रहा है अभी भी. अच्छा एडिशन सब्ट्रैक्शन किया आप क्या करने वाले हैं? अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन होके आ रहे हैं तो कैसे डील करना है? लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इन टू एच ऑफ एक्स. What do you think first scenario? Continuous into continuous. Bolo, continuous, not continuous, maybe. Continuous. 100% continuous. ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. Next, continuous into not continuous. What do you think? और याद करो, चुप रहो, याद करो, continuous plus not continuous क्या आया था अभी याद है? Not continuous आया था. What do you think यहाँ पे? Sir, maybe. समझ गया है टेढ़ा बच्चे. तो यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं होता है कि नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि मैं वो वाला प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन वाला तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को फंक्शन को शिफ्ट करना पड़ेगा और मैं फंक्शन को शिफ्ट नहीं कर सकता अगर वो जीरो हो जाए तो. आया ना एवरीवन? यस सर. यस सर. ये तो पता ही ना सर. जैसे कोई बच्चे बोलते हैं देखना इधर, एक्स वाई इक्वल टू लेट्स से जीरो या एक्स वाई इक्वल टू जेड. So this equation is not always identical. Come on, agree करो. ये और ये दोनों हमेशा same नहीं है. कब same नहीं है? जब x zero हो जाए. Agree करो? Yes sir. Yes sir. यहाँ पे x zero हो सकता है. Agree करो? यहाँ पे x zero is possible. Yes sir. But यहाँ पे zero नहीं, it's not possible. तो yes, इस scenario में 99% यहाँ पे not continuous ही आएगा. 99%. Only 1% scenario में continuous आ जाएगा जब ये वाला factor 0-0 कुछ कर रहा होगा. मतलब अभी से experience दे रहा हूँ. Clear यहाँ तक? हाँ भाई? Yes sir. देखो example 0-0 वाला ही होगा. X into fractional X, X into box X. तो दो values पे बताता हूँ. X equals to 1 पे और X equals to 0 पे. तो 1 पे ये continuous है और 1 पे ये क्या है? Not continuous. Correct everyone? Yes. Yes, sir. जीरो पे भी कंटिन्यूस इनटू नॉट कंटिन्यूस का सिनेरियो है. करेक्ट? यस करो. पहले का आंसर क्या आने वाला है? हमें तो चेक, हमें पहली बात हमें क्या करना चाहिए? आंसर में भी लिखा है, मतलब हमें दोनों पे चेक करना चाहिए. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. बट क्या तुम स्मार्ट हो? जितना भाषणबाजी मैंने की उससे समझे किसमें कंटिन्यूस आने वाला है बताओ? सर जीरो पे. जीरो पे, क्योंकि जीरो वाली जस्ट प्रॉब्लम होती है बस उसके कारण कंटिन्यूस है, अदरवाइज हर इंटीजर पे नॉट कंटिन्यूस ही है. चलो यहाँ पे चेक करते हैं. देखो वन के आसपास तो आर एच एल वन पे, वन इंटू बॉक्स ऑफ वन प्लस दैट इज वन. एल एच एल वन इंटू बॉक्स ऑफ वन माइनस दैट इज जीरो. खत्म काम. नॉट कंटिन्यूस एवरीवन? यस सर. जीरो पे आर एच एल जीरो इंटू बॉक्स ऑफ जीरो प्लस दैट इज जीरो. जीरो पे एल एच एल, बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? नो सर. नो सर. एफ ऑफ जीरो जीरो है. कंटिन्यूस एवरीवन? यस यस. एक होता है कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूस इनटू नॉट कंटिन्यूस की थ्योरी क्या है मे बी होगा, चेक करना चाहिए. और एक होता है कि हम जेई एडवांस के बच्चे हैं तो ये भी समझ में आना चाहिए कि 99% नॉट कंटिन्यूस ही होगा, ओनली इन जीरो टाइप की चीजों पे कंटिन्यूस हो सकता है. क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. यस सर. लास्ट नॉट कंटिन्यूस इनटू नॉट कंटिन्यूस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इनटू एच ऑफ एक्स. हाँ यार, नॉट कंटिन्यूस प्लस नॉट कंटिन्यूस क्या लिखा था मैंने, याद आया? मेबी. व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे क्या आंसर है? कंटिन्यूस? नॉट कंटिन्यूस. बन रहे हो ना, यहाँ पे भी मेबी ही है. ठीक है, समझ गए? यहाँ पे कोई ट्विस्ट नहीं है, यहाँ पे मे बी ही आएगा. कभी कभी कंटिन्यूस हो जाएगा, कभी कभी नॉट कंटिन्यूस हो जाएगा. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल्स. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स इनटू फ्रैक्शनल एक्स. कुछ भी कर दूंगा मैं, कबाड़ा कर दूंगा, फ्रैक्शनल टू एक्स.
तो x equals to किसी भी इंटीजर में बात करोगे नॉट कंटिन्यूस है, ये भी नॉट कंटिन्यूस है, भले चेक कर लेना वो फाइनल आंसर भी नॉट कंटिन्यूस आएगा. क्लियर यहाँ तक? इस पर बता नहीं रहा हूँ. I have to give you an example. जब continuous हो जाए, so box x into box minus x, and guess करो one पे नहीं लूँगा मैं, कहाँ पे लूँगा? Guess कर लो. Zero. ये not continuous है, ये not continuous है, but अब check करते हैं देखो. वैसे हमेशा ही check करना चाहिए. F of zero plus RHL. इसके कारण zero agree करो. Come on. आए ना? Yes sir. Yes. जीरो माइनस पे पहला वाला माइनस वन देगा और दूसरा वाला जीरो दे देगा. हाँ है ना कार्टून? यस सर. ये कंटिन्यूस हो जाएगा. क्लियर यहाँ तक चीजें? यस यस सर. चलो कॉपी करो फटाफट. Repeat everyone. Sorry. Yes, quit out. Otherwise, I'm turning the page. Ho gaya sabka copy na? Yes, sir. तो एक बार रिवाइज कर लो. समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं. जस्ट अ सेकंड.
करो ये वाला क्वेश्चन। जहां डायरेक्टली बोल सकते हो वहां डायरेक्टली बोलना, जहां चेक करना पड़े वहीं चेक करना। यस फर्स्ट वाला क्या है, कौन सा सिनेरियो है? नॉट कंटीन्यूअस प्लस नॉट कंटीन्यूअस। तो डायरेक्टली आंसर लिखा ना आपने एवरीवन? यस यस सर। ये कंटीन्यूअस इनटू नॉट कंटीन्यूअस है, तो डायरेक्टली बोलोगे या चेक करोगे? चेक करो जल्दी से करो। हमें चेक ही करना चाहिए, यूजुअली गड़बड़ कुछ भी हो सकती है। टू बी ऑन द सेफ साइड टू गेट मार्क्स इन जेई वी शुड चेक। जीरो इंटू इसका आंसर वन, तो जीरो। आई होप अब तक कर ही लिया तुमने। जीरो इंटू इसका माइनस वन जीरो, एफ ऑफ जीरो इज जीरो इंटू जीरो जीरो। तो क्या आ गया बच्चों? कंटीन्यूअस। किसी को डाउट? नो सर। आगे बढ़ सकते हैं ना बच्चों? Yes, sir. तो ये algebra of continuity था। अब guess करो heading क्या है? Algebra of differentiability। तो अब वहाँ पढ़ लिया तो सब के सब almost same result है। तो यहाँ पे देखना है algebra of differentiability। Stop writing, start interacting. First addition या subtraction देख रहे हैं। f of x is equals to g of x plus या minus of this first scenario continuous plus या minus of continuous का differentiability, differentiable plus differentiable क्या होगा everyone? Differentiable। जरूरत नहीं है तो differentiable plus या minus of non-differentiable, what do you think? Maybe. Non-differentiable. Non-differentiable. वही same proof बच्चों, उधर contradiction वाला है ना? Yes or no? Clear? Yes. तो एक example yes, बताओ मुझे non-differentiable का कोई? कोई function जो non-differentiable होता है? Come on, सबसे famous example mod x, everyone. Cartoon जवाब दो यार, 10 बार पूछना। यस सर। यस सर। यस सर। जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशियबल है नॉन डिफरेंशियबल है? डिफरेंशियबल। ये वाला डिफरेंशियबल नॉन डिफरेंशियबल। तो क्वेश्चन क्या है वो चेक करना पड़ेगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या होगा? नॉन डिफरेंशियबल। किसी को डाउट इसमें? नो सर। थर्ड नॉन डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल क्या आंसर होगा? गेस करो। बट ये तो डिफरेंशियबल हो गया ना एवरीवन? है ना? और ऐसे तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बता दूंगा जो ओवरऑल नॉन डिफरेंशियबल रहेंगे, करेक्ट ना? Yes, sir. कॉपी कर लो यहाँ तक।
हो गया बच्चों कॉपी? यस सर। मल्टीप्लीकेशन और डिविजन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इनटू एच ऑफ एक्स। चलो चालू हो जाओ मेरे साथ। डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, व्हाट डू यू थिंक? डिफरेंशिएबल डाउट ही नहीं है। ओके, डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल, कीपिंग इन माइंड डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल था, यहाँ पे क्या होगा? Maybe. कंटिन्यूटी में सारे रिजल्ट सेम रहते हैं, अब तक तो फील आ गई ना एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, yes, तीसरा भी बता दो, फिर मैं दोनों के एग्जांपल बताता हूँ। तीसरा भी एक बार बता ही दो पहले तो। हाँ, डिफरेंशिएबल, सॉरी, नॉन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल, एवरीबॉडी? Maybe. Yes, sir. Maybe, maybe. वही कंटिन्यूटी में भी यही था, एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ। So, पहले तो इसका थर्ड का एग्जांपल बता दूं, तो वही एग्जांपल सेम लूंगा। बॉक्स एक्स इनटू बॉक्स माइनस एक्स, एक्स इक्वल्स टू वन पे नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल चेक करना चाहिए, ओवरऑल चेक करोगे तो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, बट जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल चेक करना चाहिए, चेक करोगे तो क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएबल। यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। सेकेंड के एग्जांपल्स में हम एक शॉर्टकट सीखने वाले हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, अब ध्यान से सुन। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर मैं समझाता हूँ। कॉपी कर लो, पूरी रामायण इतनी बड़ाई मैंने एक्चुअली अब ये एग्जांपल्स के लिए, तो थोड़ा बहुत कुछ याद हो जाएगा इसमें से, तो टाइम बच जाएगा। कॉपी हो गया यहाँ तक? यस सर। चलो यहाँ पे एग्जांपल देखो मेरे साथ। हाँ, कौन से वाले के एग्जांपल बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल में भी होता है। सो एफ ऑफ एक्स इज एक्स इनटू बॉक्स एक्स, फर्स्ट एग्जांपल। अगर मैं बात करूं x इक्वल्स टू किसी भी और इंटीजर पे, वन पे,
तो तुम सबको पता ये भी डिफरेंशियबल होता है और ये भी डिफरेंशियबल होता है, हाँ है ना? यस सर। मैं तो पता है ये मॉड एक्स तो सिर्फ किस पे नॉट कंटिन्यूस नॉन डिफरेंशियबल होता है एवरीवन? जीरो। नॉट कंटिन्यूस भी गलत बोला मैं, कंटिन्यूस होता है बट क्या होता है बच्चों? नॉन डिफरेंशियबल। तो डिफरेंशियबल इनटू नॉन डिफरेंशियबल सिनेरियो है, प्लीज सी दैट। तो हमें हमेशा चेक करना चाहिए। अब देखो चेक करके मैं बताता हूँ कि वो डिफरेंशियबल आता है कैसे। x ग्रेटर देन जीरो के लिए प्लस के साथ ओपन होगा x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो कहीं भी कर दो। x लेस देन जीरो के बाद माइनस के साथ ओपन होगा। तो आर एच डी के लिए मैं फर्स्ट ब्रांच को डिफरेंशिएट करूंगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। 2x फिर x को जीरो रख दिया तो देखो आर एच डी जीरो आ गया। एल एच डी के लिए सेकेंड ब्रांच को डिफरेंशिएट करूंगा और फिर x को जीरो रखना है, जीरो आ गया। दोनों एल एच डी आर एच डी सेम है तो डिफरेंशियबल हो गया, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। तो ये हो गया। तो हर बार चेक करने के लिए, यस थ्योरी तो बोल रही है कि हर बार चेक करने के लिए चेक करना चाहिए, बट शॉर्टकट इज, शॉर्टकट इज डिफरेंशियबल इनटू नॉन डिफरेंशियबल, स्पेशली मॉड वाले क्वेश्चंस में, मॉड वाले में इफ डिफरेंशियबल पार्ट is having the same critical point, is having the same critical point as in non-differentiable, then वो differentiable ही आएगा। अब इसका क्या मतलब है, तो roughly लिखा है मैंने obviously कि जैसे mod x है बच्चों, वो कहाँ पे non-differentiable है बताना? Everyone? Zero. Zero पे। तो इसलिए उसके आगे x minus zero है इसलिए वो डिफरेंशियबल आ गया। अगर उसके अलावा कोई भी और चीज है, x माइनस वन भी लगा दो, देखना मेरे साथ, जीरो पे सिनेरियो कौन सा है? डिफरेंशियबल इनटू, सॉरी माय मिस्टेक, नॉन डिफरेंशियबल इनटू डिफरेंशियबल सिनेरियो, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ये चेक करना चाहिए, तुम कितना भी चेक कर लो आंसर क्या आने वाला है, गेस करो, नॉन डिफरेंशियबल ही आने वाला है। क्यों आने वाला है, नोट पढ़ो जल्दी से समझो, लेट मी नो समझ आया या मैं समझाऊं। सर इज इट बिकॉज़ द क्रिटिकल पॉइंट इज डिफरेंट? क्योंकि यहां पे क्रिटिकल पॉइंट 0 है बट यहां पे तो 1 आ गया ना एक तरीके से, x minus 1 एवरीवन? यस। यस सर। तो आएगा वो नॉन डिफरेंशियबली, पहले चेक कर सकते हैं। बट लेट्स से अगर तुम थोड़ा स्मार्ट बनो, मॉड x minus 1 किस पे नॉन डिफरेंशियबल होता है, 0 पे या 1 पे? 1 पे। तो इसके आगे क्या चिपकेगा ताकि वो डिफरेंशियबल हो जाए, गेस करो। करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशियबल ही आएगा। क्या सबको क्लियर हो गया चीजें यहाँ तक? यस सर। यस सर। कॉपी कर लो। Everyone copied? Sorry.
Done, sir. चलो करो ये क्वेश्चंस. कमेंट ऑन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ कहाँ पे है. यस पहले चार हो गए. यस कितने हो गए पहले चार हो गए कि तो बताओ जल्दी से. शुड आई वेट. ठीक है मैं अज्यूम कर रहा हूँ पहले चार हो गए जवाब ढंग से नहीं आ रहा है. पहले का आंसर बोलो. नॉट डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल एट व्हाट. एक्स इज इक्वल्स जीरो. सेकंड पार्ट नॉन डिफरेंशिएबल एट व्हाट. एक्स इक्वल टू जीरो. एक्स इक्वल्स टू जीरो. थर्ड पार्ट में कैसे सोचना है मेरे साथ सुनो. ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है ये वन पे. तो जीरो पे कैसे बात करेंगे कि जीरो पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है बट ये डिफरेंशिएबल है. हाँ है ना. देखो मेरे साथ सिनेरियो भी देखो. टू पे नॉन डिफरेंशिएबल बट ये डिफरेंशिएबल. एग्री करो. यस सर. तो ओवरऑल तो वो क्या होता है नॉन डिफरेंशिएबल मे बी होता है. कौन सा सिनेरियो है मे बी वाला है. मे बी. बट मैंने क्या एडवाइस किया वो सेम फैक्टर होगा तब भी वो जाके डिफरेंशिएबल होगा अदरवाइज नहीं होगा. याद आया. यस सर. यस सर. करना चाहिए बट भले तुम चेक करना कर लो वो नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा. इज दैट क्लियर. यस सर. तो यस डी पार्ट का आंसर है नॉन डिफरेंशिएबल एट टू एंड थ्री. कॉपी करो लास्ट पार्ट करो.
चलो लास्ट वाला भी अब तक सोच लिया होगा, x माइनस थ्री इंटू मॉड एक्स माइनस टू मॉड एक्स माइनस थ्री. यूजुअली तो टू और थ्री नोन नोन पे नॉन डिफरेंशियबल होता है, बट थ्री पे अब क्या हो जाएगा एवरीवन डिफरेंशियबल. तो लास्ट पार्ट का आंसर ओनली नॉन डिफरेंशियबल एट टू. कोई डाउट किसी को यहां तक? सर डिफरेंशियल फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट मतलब एग्जैक्टली क्या है? क्रिटिकल पॉइंट मतलब x माइनस वन है तो उसके आगे बस सेम x माइनस वन चाहिए, बस खत्म बात. ओके बाकी तेरे को कभी भी डाउट आ रहा है चेक कर लेना चाहिए, रफ लैंग्वेज मैंने लिखा है, कोई ये रामबाण नहीं है. आई होप दैट इज क्लियर एवरीवन. हां भाई यस सर. हां ये बस रफ लैंग्वेज में लिखा है तो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मत मानना, वो सिंपल एक्सप्लेनेटरी उसके लिए ट्रू है, बाकी सब कभी हो तो चेक करो कुछ भी डाउट आया तो. ओके नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल. मैं एक क्वेश्चन रेडी कर रहा हूं, तुम लिखो जल्दी से. Continuity and differentiability in an interval. लिखिए हेडिंग स्क्रीन पे देख सकते हो. चलो देखो इधर मेरे साथ, ये क्वेश्चन मैं करूंगा, समझा रहा हूँ, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन. तो एफ ऑफ एक्स एक कोई भी ऐसा फंक्शन दे देंगे और बोल रहे हैं लेट्स से माइनस थ्री टू वन में डिसकंटिन्यूटी और नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करो. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों तुम्हारा, हमेशा स्टेप वन कलेक्ट ऑल द डाउटफुल पॉइंट्स. डाउटफुल लिखा है देख रहे हो एवरीवन? यस सर. डाउटफुल कहां कहां पे डाउट आ सकता है वो सब इकट्ठा करोगे, क्योंकि पूरे इंटरवल में बात कर रहा है, एक पॉइंट पे नहीं बात कर रहा. तो सबसे पहले कौन कौन से डाउटफुल पॉइंट लिखने चाहिए जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है. जैसे इस एग्जांपल में बताओ कहां कहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है एवरीवन. सो 1 माइनस 2 एंड 3 नहीं, 0 माइनस 2 माइनस 3 सर. माइनस 3 पे डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है बच्चे, माइनस 3 का लेफ्ट तो है ही नहीं ना. हां ना, माइनस 3 तो एंड पॉइंट है ना कार्टून. हां ना. यस यस सर. वो नहीं, माइनस टू पे चेंज हो रही है, आई होप दिख रहा है, जीरो पे चेंज हो रही है. देयरफॉर दोज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. तो अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन के लिए स्टेप वन, तो डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पहले तो माइनस टू है, जीरो है, और क्या है अभी देखते हैं. नेक्स्ट हर ब्रांच को देखोगे, हर ब्रांच को देखोगे और वहां पे बॉक्स फ्रैक्शनल सिग्नम ऐसी कोई प्रॉब्लम है मॉड एक्स, तो देन यू विल नोट डाउन दोज क्रिटिकल पॉइंट्स. तो जल्दी से बताओ फर्स्ट ब्रांच पे कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर. प्रॉब्लम कहाँ होती है? देखो बॉक्स फ्रैक्शनल एक्स वो इंटीजर पे नॉट कंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, सिग्नम जीरो पे, रैशनल फंक्शन हो तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, बस वो सारे. तो फर्स्ट ब्रांच को कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड ब्रांच को प्रॉब्लम है क्या? यस सर. कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? हर इंटीजर पे. यस सर नो? यस सर. तो जो जो इंटीजर इसके बीच में होंगे वहां वहां प्रॉब्लम होगी ना एवरीवन? माइनस वन एक हो जाएगा ना. जस्ट होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड बच्चों.
हाँ बच्चों सॉरी, आवाज आ रही है सबको? हाँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था. सो यस, माइनस टू जीरो एंड वन, सेकेंड ब्रांच का काम खत्म हो गया ना एवरीवन? जीरो नहीं हुआ. जीरो तो बच्चे पहले लिख चुके हैं ना हम. अच्छा आए ना. यस हाँ, चलो थर्ड ब्रांच. थर्ड ब्रांच पे भी इंटीजर पे डाउटफुल तो है ही ना एवरीवन? आए ना. यस सर. यस, थर्ड ब्रांच पे कौन कौन से आ गए? जीरो एंड वन. वन लिख देना चाहिए एवरीवन, करेक्ट? यस सर. यहाँ तक सब हैप्पी? डाउटफुल पॉइंट्स सारे आ चुके हैं, क्लियर यहाँ तक? यस सर. यस सर. यस सर. अब बताओ क्या करना है. स्टेप टू देखो क्या लिखा हुआ है मैंने. एग्जामिन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट ईच पॉइंट. अब हर पॉइंट पे देखो, जहां पे 100% श्योरिटी से बोल सकते हो काम खत्म करो, और जहां पे चेक करना है वहां चेक करो. तो तुम मुझे बताओ, माइनस टू और जीरो पे चेक करना पड़ेगा या 100% बोल सकते हैं, कीपिंग इन माइंड वहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है? तुम बताओ. बोलो ना यार. अरे कोई भी आंसर बोलो, सोच के बोलो, बट थोड़ा बोलो तो सही. फिर कुछ बोलो क्या? Non-differentiable. बिल्कुल गलत. अरे डेफिनेशन चेंज हो रही है. डेफिनेशन चेंज करके तो मैं कैसे भी झंडे गाड़ सकता हूँ, तुम समझते हो मेरी बात? मतलब मैं यहाँ पे 3 sin x लिख रहा हूँ, तुम्हें क्या पता वो कंटिन्यूस बना रहा है उसको नहीं बना रहा है, जब तक चेक नहीं करोगे. हाँ है ना बच्चों? Yes. मैं तो यहाँ मोड डाल दूंगा, कुछ भी ऐसे तबाही मचा सकता हूँ जिससे कंटिन्यूस हो जाएगा या नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा. तो जब तक चेक नहीं करोगे, हाउ डू यू नो? डेफिनेशन वाले तो 100% चेकिंग वाले पॉइंट है. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. यस सर. चेक ही करना है इन दोनों पे. माइनस वन, माइनस वन किस कारण से आया था हमारा? यस, ये इस बॉक्स के कारण आया था. माइनस वन का लेफ्ट भी इसी ब्रांच से आ रहा है, माइनस वन का राइट भी इसी ब्रांच से आ रहा है. अब बताओ, और सिर्फ बॉक्स है, बॉक्स के आगे पीछे कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वॉट डू यू थिंक? चेक या 100% नॉट कंटिन्यूस? 100% नॉट कंटिन्यूस. वेरी गुड. एक तो सही बोला कार्टूनों में. माइनस वन पे 100% नॉट कंटिन्यूस एंड हेंस नॉन डिफरेंशिएबल. इज दैट क्लियर? यस. यस सर. वन पे, वन पे देखो, वन कहाँ है? ये रहा. वन इज एन एंड पॉइंट. तो एंड पॉइंट पे तो कभी डाउट भी मत रखना. एंड पॉइंट भी 100% डाउटफुल वाला की तरह ही चेक करोगे. सुन लिया सबने? यस सर. क्योंकि एंड पॉइंट पे भी गड़बड़ हो जाती है कुछ भी. तो चलो अब चेक करते हैं. देखो मेरे साथ, माइनस टू पे चेक कर रहा हूँ. पहले कंटिन्यूटी चेक करूंगा, भगवान से दुआ करूंगा क्या कि क्या आ जाए. बोलो. कंटिन्यूस. नॉट कंटिन्यूस आ जाए. कार्टून कंटिन्यूस आ जाएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करनी पड़ती है. नॉट कंटिन्यूस आ जाता तो क्या हो जाता है एवरीवन? नॉट डिफरेंशिएबल. नॉट डिफरेंशिएबल बोल रहा हूँ. तो क्या चेक कर रहे थे? माइनस टू पे एल एच एल कहाँ से आएगा? फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, एल एच एल? फर्स्ट ब्रांच में क्या ऐसे क्या लगाएंगे? डीएस. डीएस उसको बोला. सो डीएस लगाएंगे. माइनस टू रखते हैं. माइनस फोर प्लस थ्री, माइनस वन वैल्यू अभी. आरएचएल माइनस टू का आरएचएल कहाँ से आएगा? सेकंड ब्रांच. सेकंड ब्रांच पे माइनस टू का राइट रखोगे तो उसका बॉक्स माइनस टू दे देगा. माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन. क्लियर है ना? Yes, sir. और वो भी सेम ही आने वाला है, कंटिन्यूस हो चुका है. तो थोड़े से नालायक पंक्ति आ गई है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. क्लियर ना एवरीवन? यस. यस. सबसे पहले मैं एलएचडी चेक करूंगा. एलएचडी एट माइनस टू. क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट ब्रांच से आ रही है और वो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूँ. एवरीवन एग्री करो? एलएचडी आ गया टू. आरएचडी या तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं या डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, करेक्ट एवरीवन? यस सर. यस सर. ऑब्वियसली एथिकली तो मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालनी चाहिए, बट कौन स्मार्ट है और डायरेक्ट आंसर बता सकता है कोई आरएचडी का? बॉक्स, कम ऑन बॉक्स. बॉक्स कांस्टेंट होता है. चलो इधर देखो यार, तुम लायक नहीं हो. बॉक्स कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट तो ऐसी कांस्टेंट लाइन होती है, तो डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप. तो स्लोप जीरो नहीं होगा क्या बच्चों? एवरीवन? यस. पक्का क्लियर है सबको या समझाऊं और? क्लियर.
क्योंकि बॉक्स के आगे कुछ चिपका ही नहीं है, सिर्फ बॉक्स है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा, डिफरेंशिएशन उसका जीरो ही होगा ना एवरीवन? कौन सी ब्रांच आएगा बताओ? जीरो पे LHL सेकंड ब्रांच, बॉक्स ऑफ जीरो माइनस माइनस वन, माइनस वन प्लस वन जीरो, चलेगा ना? लास्ट क्या बचा है बताओ? क्या बचा था? एक्स इक्वल टू वन एंड पॉइंट है बच्चों, याद करो, ये देखो एंड पॉइंट है, तो वन पे कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करेंगे, LHL या RHL? LHL. LHL. तो सिर्फ देखेंगे LHL और F of one कितना है, तो LHL थर्ड ब्रांच आएगा, बॉक्स ऑफ वन माइनस, करेक्ट ना बच्चों? Yes. बॉक्स ऑफ वन माइनस कितना होता है? जीरो, जीरो प्लस टू. Agreed all of you? Yes, sir. Yes, sir. It's two. While f of 1 क्या हो जाएगा? 1 in box of 1 plus 2, that is 3, not continuous, non-differentiable. क्या सबको question clear हो गया कि क्या मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए multiple correct, या फिर जब जी theoretical था तब इस type के question important होते थे, but इनमें से मैं कुछ ना कुछ करके multiple correct question तो बना ही सकता हूँ. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. मैंने ऐसा किया, number of points, number कितने हैं, तब तो मेहनत मजदूरी बहुत बढ़ जाएगी, एग्री करो? Yes, sir. जैसे एक क्वेश्चन में बोला हुआ है कि माइनस टू पे कंटिन्यूस है, नॉन डिफरेंशिएबल है, तो माइनस टू पे चेक कर लेंगे हम, बट अगर उसने नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ लिया फिर तो हमें सारा यही स्टेप्स करने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस यस सर. चलो कॉपी करो.
कॉपी हो गया एवरीवन, किसी का डाउट? हाँ भाई कोई डाउट? नो सर। नो डाउट, ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आई एम चेंजिंग द पेज नाउ। ये वाला क्वेश्चन करो। पिछले क्वेश्चन में किसी का कुछ छूट तो नहीं गया था? ये कैसा था ना सर, ये वाला, इसमें कुछ छूट तो नहीं गया? नो सर। करो करो। ये क्वेश्चन में उल्टा है बच्चों, कंटिन्यूअस बोल रखा है जीरो टू पाई, तो मतलब हमें कंटिन्यूटी की कंडीशन लगानी चाहिए उन पॉइंट्स पे जहाँ पे डाउटफुल है, जहाँ पे फोर्स कराना है। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन से डाउटफुल पॉइंट्स है यहाँ पे? एवरीवन पाई बाय टू। उसके अलावा कुछ है क्या? बॉक्स बॉक्स कुछ है यहाँ पे? नो सर। बस इन दोनों पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाओ जल्दी से। फाइव बाय फोर पे आई होप कंडीशन लगाई कि LHL सेम है RHL, एफ ऑफ फाइव बाय फोर तो RHL के बराबर ही है, तो लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेम ब्रांच आ रहे हैं। सिर्फ एक मैं लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए कि सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो। LHL के लिए फर्स्ट ब्रांच पे DS a root 2 into 1 by root 2 is equals to RHL 2 into pi by 4 into cot pi by 4 plus 1 pi by 4 plus a is 2 pi by 4 plus b, a is equals to pi by 4 plus b.
करेक्ट पूर्णा, करेक्ट कुशल, हरी अप एवरीवन। यश मिस्टेक, सार्थक करेक्ट, सनिका करेक्ट, चलो मैं फिनिश कर रहा हूँ एवरीवन, अगर नहीं हुआ तो देख लेना। फर्स्ट कंडीशन तो आ ही चुकी है हमारी, अब पाई बाय टू पे लगा रहा हूँ LHL, सेकंड ब्रांच पे 2 इंटू पाई बाय टू इंटू कॉट पाई बाय टू विच इज 0, RHL A इंटू कॉस पाई हो जाएगा देखो क्योंकि 2x है, तो माइनस 1 माइनस बी साइन पाई बाय टू दैट इज 1, ये तो 0 है, तो B इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी और 2B इज इक्वल टू माइनस ए, A इज इक्वल टू माइनस 2B, तो फर्स्ट में रख देता हूँ इसको फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए की वैल्यू माइनस टू बी रखनी है, माइनस टू बी इज इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस बी, माइनस थ्री बी इज इक्वल टू पाई बाय फोर, सो बी की वैल्यू माइनस पाई बाय ट्वेल्व, और ये कितना है माइनस टू बी है तो पाई बाय सिक्स। सबको क्लियर है एवरीवन? यस सर, यस सर। फाइव सेकंड्स टू कॉपी। ठीक है कर लिया। अब जैसा अभी एक क्वेश्चन किया था मैंने, ये वाला डाउटफुल पॉइंट्स वाला याद करो, उसी के जैसा एक होमवर्क दिया मैंने करके लाना, सुन लिया एवरीवन? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, होमवर्क मैं ग्रुप पे भेज ही दूंगा बच्चों, प्लीज डू इट एंड कम नेक्स्ट क्लास, कल ही है, थोड़ा करना, कोशिश करना। दैट्स इट फॉर टुडे।